जय शंकर बाबा लोग। नए दिन नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ सुबह के 7:30 बजे। जस्ट अभी नहा के आपका भाई देख ही लिया आपने कि दूध पीने वाला है यार, जो इसको पीते हैं। साथ में मम्मी को यहाँ पे देख सकते हो आप। मम्मी बना रहे हैं खाना, शायद मक्की की रोटी बन रही है आज भी, है ना मम्मी? और साथ में क्या है? ओहो, आज मतलब मजे मजे है मेरे तो। चलो खाना वगैरह आके निकलते टाइम मिलते हैं आपसे अभी। और यार ये छोटी छोटी रोटियां जो है आपके भाई के लिए तैयार हो रही है टिफिन में डालने के लिए, क्योंकि हमारे लोकल लैंग्वेज में गागू भी बोलते हैं, बोलते हैं ना। हाँ तो बाबा लोग, अभी टाइम हो रहा है 9:30, और आपका भाई अपने काम पे पहुंच गया है। आपको तो पता है पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा आपने कि लगभग घर से जब निकलता हूँ तो मछलियों का आटा वगैरह खिलाने के बाद यहाँ पे आता हूँ। थोड़ी देर आज आजू भाई के पास भी बैठा है बात बूत करने, क्योंकि आज हम जल्दी निकलाए थे घर से, 8:30 बजे निकलाए थे, और अभी टाइम 9:30 हो रहा है। 1 घंटा लगा सब काम फिनिश करके, अभी अपने काम पे बैठ गया हूँ, देख ही सकते हो आप। चलो करते हैं अपना काम स्टार्ट। आपका भाई लंच करने आ गया है भाई की शॉप पे, तो खाना वगैरह खाते हैं। कहाँ जा रहे भाई? ओके ओके, भाई कुछ काम पे जा रहे हैं, फिलहाल मैं बैठता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर। जैसे भाई आते हैं इकट्ठे, दोनों भाई खाएंगे खाना, उसके बाद आपका भाई दोबारा से काम पे चला जाएगा। टाइम 4 हो रहे और आपका भाई आज जल्दी जा रहा है। रीज़न ये है कि पापा ने ना मेरे से कुछ एक सामान मंगवाया हुआ है, वो मुझे मार्केट से लेके जाना पड़ेगा घर, और कुछ खाने के लिए भी मंगवाया, वो भी लेके जाऊंगा यार। तो चलो यार चलते हैं, सामान वगैरह खरीद लेते हैं पापा के लिए। शुक्रिया, मिलते हैं। ठीक है, एक तो सामान आपके भाई को मिल गया, अभी बल्ब वगैरह खरीदने हैं यार, तो यहाँ से मिल जाएंगे इलेक्ट्रिशियन शॉप पे। यहाँ पे भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहे फिलहाल, कहीं पे भी वेट करता हूँ शायद आ जाएं। फिलहाल वहाँ पे भाई नहीं आया यार, पता नहीं कहाँ पे हैं, किसी और शॉप पे देखता हूँ अभी। लोग आपका भाई काफी देर से घर पहुंचा हुआ है, अभी टाइम लगभग 6 बज रहे हैं, और जस्ट थोड़ी देर पहले नानी और मेरी मौसी आए हैं यार, मिलवाता हूं उनसे मैं। यार सबसे पहले तो मेरी नानी माँ से मिलो। और नानी जी ठीक ठाक हो? और यहाँ पे मासी को देखो, बोल रहे हैं नहीं बनाना तो पक्का बनेगी मासी जी। ये है ना दोनों बहनों को देखो, 5-6 बहन है ये सारी की सारी, किसी दिन मिलवाऊंगा इकट्ठे बैठा के सभी को, सभी से। और ये अपनी बहन, बड़ी बहन, और ये देखो इसकी छोटा सा बेबी है, इसका नाम क्या है? नाइशा। नाइशु, आजकल तो नाम भी बड़े डेंजर डेंजर है, हमारे टाइम पे तो बड़े सिंपल से नाम होते, जैसे मेरा रजत है, अनीता, इसका नाम ऐसे तो गौरी है। रियल नेम क्या तेरा? नीलम। हाँ नीलम देवी है इसका नाम, हमारे टाइम में ऐसे ऐसे नाम थे, और आज के टाइम में देखो नाम क्या है, दोबारा से मैं भूल गया इसका नाम, नाइशा। हाँ मम्मी आप क्या बोल रहे थे पहले? हाँ वो भी है, ये मेरी मतलब तीसरे नंबर वाली ये मासी है, मतलब बड़े मासी, मेरी मम्मी से आपसे बड़े है ना, इसके बाद आप हो। हाँ ठीक है, मम्मी की 2 छोटी बहनें हैं, 3 बड़ी है ना। ठीक है ठीक है, तो काफी सालों बाद है मासी, कितने टाइम बाद आया घर? 6-7 साल बाद। 6-7 साल बाद, मतलब मासी यहाँ पे देख के मतलब
भूल ही गई थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप यार। तो फिलहाल चलो कर लेते हैं फैमिली से बातें होते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले हुए इनको आए हुए, मैं भी जब घास वगैरह लेके जैसे आया तो मैंने भी हैरान हो गया कि इतने सारे मतलब गेस्ट आ गए घर में, अतिथि आ गए घर में। काफी खुशी मिली यार मासी को देख के। और ये बोल रही है कि मुझे भी दिखा, बोल। हाँ वंशिका का हैप्पी बर्थडे है, आज चली गई ये। तो पिछला ब्लॉग जो कुकिंग ब्लॉग आपने देखा उसमें देखा आपने कितनी ज़्यादा बातें कर रही थी ये, तो आई होप आपको मज़ा आया उसका। और मैं यार आपके लिए सोच रहा हूँ कि अब से मैं सिर्फ कुकिंग ब्लॉग ही बनाऊंगा बाकी, क्योंकि मेरे फैमिली ब्लॉग बहुत कम चलते हैं और बहुत कम रिस्पॉन्स आता है उनका। तो मैं सोच रहा हूँ आप मेरे को मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि मैं क्या करूँ। वैसे तो मेरा पूरा का पूरा प्लान है कि मैं कुकिंग ब्लॉग ही बनाऊँ, बाकी ब्लॉगिंग करना बंद कर दूँ, बाकी आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या करूँ।